अज राम योद्धा मंदिर का इफ्ताह किया है मोदी ने ते सीएम योगी ने ते होर भी बहुत सारे जड़े भी हिंदू ने वड्डे अहुदों तो लैके जिन्हें भी लोग ने सेलिब्रिटीज हो गए वह भी एक दूजे मुबारकबाद दे रहे उन्हें उस दियाँ। एक गल है कि अगर भारत अपने आप को सैकुलर मुल्क कहता है तो हर बंदे अपनी आज़ादी होनी चाहिए है ते दूसरे के हकूक जड़े ने उत्ते डाका नहीं मारना चाहिए। तो अगर बाबरी मस्जिद है सी उन्होंने ये बनाने की जरूरत कोई नहीं सी, लेकिन अगर वो समझते हैं कि बहुत पुराना है तो बाबरी मस्जिद उस तो बाद बनी है तो लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे लोगों की राय का एहतराम करते हुए अपना मंदिर जरा जरूर बनाते लेकिन उन्होंने थोड़ी जगह वो चेंज कर लेंगे। तो ये उत्ते साढ़े सिख वीर की की राय वे असी ये वीडियो देखा थोड़ी वीडियो वेख लीए फिर उस तो बाद गल करने हैं। चलो वीडियो वेखने जिमें 26 जनवरी के नाल साडा कोई तालुकात नहीं ना इवें साडा 22 जनवरी के नाल भी कोई तालुकात नहीं। कल नूं राम मंदिर का इन्हां ने उत्थे जिहड़ा उद्घाटन करना है एक पोलीटिकल स्टंट खेडिया जा रहा उहदे विच मैं जिहड़ा साडा स्टैंड है जो एक सिख होण दे नाते साडा स्टैंड आ उहदे बारे असीं बड़े साफ लोगों नूं दसना चाहुंदे आ कि ना जिवें साडा 26 जनवरी नाल कोई लैण देण नहीं ना साडा 22 जनवरी के नाल भी कोई लैण देण नहीं। ये नहीं आ भी असीं मंदिर के विरोधी हां, जिस तरीके दे नाल बनाया गया सी उहदे विरोधी। एक दा घर ढा के ते दूसरे ने अपना घर बनाउणा ते फिर उहदी खुशी मनाउणा ते उहदे विच शामिल होना इह सिख करैक्टर नहीं गा। मैनूं याद है 2001 दे विच तालिबान ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी, शायद तुहानूं याद होवे। इंडिया ने उहदा हाल दुहाई पाई भी बहुत माड़ा किया जी, वेखो इत्थे दे आ करता तालिबान ने, वह करता उन्होंने तो एक बुत तोड़िया तो तुसीं दुनिया दे हाल दुहाई पाई ही। तो उन्हां दा बुत तोड़ना जे तालिबानियां दा गलत ही ना तो तुहाडे वल्लों मस्जिद नूं ढा के मस्जिद नूं शहीद करके मंदिर बनाउणा भी उन्ना ही गलत है। सो असीं हिंदू भरावां नूं इस गल दी मुबारकबाद लैणी चाहुण ते लै सकदे ने जी सदके भी उन्हां दा मंदिर बन गया, सानूं इहदे नाल कोई वैर विरोध नहीं है, मंदिर बनिया पर जिस जगह ते बनिया और जिस तरीके नाल बनिया उहदे नाल सिख करैक्टर नूं प्रॉब्लम है और असीं इह कदी वी प्रवान नहीं कर सकदे। और हालांकि मैं वधाइयां दे के भी नाल इह वी गल कहिंदा भी जिद्दन साडे हरिमंदर साहिब दे उत्ते हमला आया ते साडे भरावां ने लड्डू भी वंडे, पर फिर भी असीं भुला दिंदे आ चीज़ां किते ना किते भी शायद उस समाज दे थोड़े अंसर होणगे। सो उन्हां सारियां चीज़ां नूं भी एक पासे रख के जिस तरीके दे नाल बाबरी मस्जिद नूं ढा के एक धार्मिक स्थान नूं ढा के ते दूसरा बना के और उन्हों प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके नाल ग्लोरीफाई कर रहा है ये सारा कुछ गलत आ और सिखां नूं अपने आप नूं इस चीज़ तो दूर रखना चाहिए। असीं अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं भी अपील करते हैं कि उन्होंने बोलना चाहिए। वैसे भी सिख बुत प्रस्त नहीं गे, सिख शब्द के पुजारी ने और सानू इहदे नाल की लैण देना भी किस जगह दे उत्ते बुत जिहड़ा वो लगाया जा रहा जां उत्थे की हो रहा की नहीं हो रहा, साडा तो इहदे नाल कोई लैण देण ही नहीं गा। तो सिखां नूं उस एक जिहड़ा पब्लिक फंक्शन होण जा रहा घट्टो घट्ट जिहड़े सिख कौम की नुमाइंदगी करदे ने उहनां नूं उहदे विच नहीं जाणा चाहीदा। मैं इह वी समझदा पर इहदे नाल ही भी सिखां ने रुकना नहीं, सारिआं ने साडे विच ज्ञानी जैल सिंह वर्गे सिख भी बथेरे ने अज भी उह जाणगे, सिरसा साहिब ने जाणा जाण, कालका साहिब ने जाणा जाण, सिखां नूं उन्हां दे जाण ना जाण दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, सानूं पता है उह किन्नां दी झोली दे विच बैठे ने। फर्क पैंदा आ ते साडियां संस्थावां तों पैंदा आ जिहड़ियां साडियां धार्मिक संस्थावां ने खास तौर दे उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त साहिब जां होर जिहड़ियां सन्मानित संस्थावां ने इन्हां दे सारे मुखियां नूं असीं जरूर अपील करदे हां कि उह इस फंक्शन तों दूरी बना के रखण और सगों अपना स्टैंड स्पष्ट करन कौम दे विच कि सिख कौम कित्थे खड़ी है और असीं उहदे विच क्यों नहीं जाणा। सो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिस तरीके दे नाल पोलराइजेशन की जा रही है, वोटां दा एक स्टंट खेडिया जा रहा, हालांकि हिंदू समाज भी एक जिहड़ा आ उह इस दिन दे विरोध च खलोता वा पर उत्थे भी साडे लोग भुलेखा खा रहे ने। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵਰਗ ਇੱਕ ਮਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧੂਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ,
एक इंसाफ पसंद बंदा जां एक आम धार्मिक बंदा एक कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक जगह दे उत्तों ढाक के धार्मिक स्थान से उसकी जगह दूसरा किया जाए। एक पोलीटिकल स्टंट खेडे जा रहे हैं और बहु गिनती खुश करने खेडे जा रहे हैं। साड़ी बहु गिनती खुश भी हो रही है पर सिखां दा इहदे नाल कोई भी लैन देन नहीं हैगा। संकोच किया पर जो जाते भी कौम पता है खड़े ने जो जाने भी तो सिख कौम की प्रतिनिधता नहीं करते। जो इंडिविजुअल तौर पर कोई जाता है तो लख दर्जे जाए सानू किसी जाने मनाही नहीं गी जा असं ये नहीं कह रहे भी कोई सिख ना जाए। अं कहने जो कोई जाता है तो इंडिविजुअल कपैसिटी जाता है किसी को ज़्यादा हेज चढ़िया तो नची जाए बगानी शादी के अपने तो असं गुरु धाम जो बचा नहीं पा रहे उत्थे उन्हां दी धरती दे उत्ते किन्ने साडे गुरु घर ने जिन्हां नूं मतलब इतिहास के पन्नियां चों हटा के तो शायद उत्थे मंदर बनाते उहदे बारे असं बोलते नहीं। सो दूसरे की मस्जिद ढा के मंदिर बन जा रहे तो सानूं खुशियां चढ़िया ने। सो इहदे सिखां वास्ते मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहुंदा भी ये एक वर्ग की धार्मिक भावनावां दी गल है। मंदिर बनन दे असीं विरोध च नहीं गए। मैं फिर रिपीट कर रहा जिस तरीके दे नाल एक एक दे धार्मिक स्थान नूं ढा के दूसरे दा धार्मिक स्थान बनाया जा रहा है उहदे विरोध च। एक सिख वीरे दे विचार सन जिहड़े असीं सुणे ने ते सुण के खुशी होई है ते वैसे भी चढ़दे पंजाब वाले जिन्ने वीरे ने साडे सिख भरा ने उह लैंदे पंजाब वालियां नूं जां मुसलमानां नूं जिवें उहनां दा प्यार मुहब्बत है वे असीं उस दी कदर करने आ ते इन्हां दीआं गल्लां सुन के सानू ते बड़ा अच्छा लगा वे। देखो एक मस्जिद बनी है ते उहनूं तुसीं ढा के ते उहदे उत्ते मंदर बना रहे हो फिर इह वे कि इंडिया एक बहुत वड्डा मुल्क है जिहदे विच सारियां कौमां सारे मतलब लोग रहिंदे ने मुख्तलिफ मजहब दे लोग रहिंदे ने ते इह वे कि मुल्क उदों ही चलदा है एक सैकुलर मुल्क अपने आप नूं कहिंदे ने ते इह मुल्क उह वी चल सकदा है कि अगर तुसीं उह च इंसाफ रखोगे किसी नूं कौम नूं उत्ते नहीं लैके आओगे या दूसरे की मतलब हद तक इज्जत इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करोगे तो एवं तो फिर यह चीज़ा नहीं होंगे। हम इन्होंने मस्जिद ढा के जोड़ा किया है ये बारे में गम गुस्सा जोड़ा है तकरीबन सब मुसलमानों में है वे तो बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई सी उदों भी असी खबर सुनी दी सन मेरा ख्याल 92 की गल है उदों भी ये मस्जिद के उत्ते चढ़ के ढाया शहीद किया बारह मामला चलते रहे। हुण जिहड़ा कुछ किया मोदी हुकूमत एक कट्टर मतलब सोच रखने वाली जमात है बीजेपी उन्होंने तो ये असी तो इसकी मतलब असी इन कंडेम करने ये गलत काम उन्होंने वीरे ने कहा कि भाई जो सिख जा रहे हैं सिखां नूं मेरा ख्याल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन्हां नूं मतलब जिवें इन्हां दी सोच है कि हर किसी दी जिहड़ी धार्मिक जगह ने उन्हां दा जिवें ख्याल करदे ने और अपने अपने भी गुरुद्वारियां दे विच इन्हां नूं इजाजत दिंदे कि मुसलमान होण अगर कई गुरुद्वारे आपां वेख्या कि उत्थे मुसलमान जाके नमाज भी पढ़ सकदे ने। हाँ जी बिल्कुल एवं ना खुला दिल होना चाहिए ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए तो मेरा ख्याल तो यह कि जो जिन्हें सिख वीर ने इस चीज़ को मतलब उन्होंने ये चीज़ बुरी लगी होगी उन्होंने कहा कि इंडिविजुअली अगर कोई जाता तो जाए गलत कहना चाहिए उस तो बाद पॉलिटिकल रीजन की वजह तो जा रहे हो थोड़े बहुत चंद लोग देखो चंद लोग हर कौम च कितने ना कितने जड़े होंगे ने अपने कुछ ना कुछ मुफादात होंगे ने उन्होंने। चलो थोड़े की विचार ने इस बारे कमेंट्स दसो कि तुसी इस बारे की सोच रहे हो जो असी सोच रहे हैं तुसी भी उवें सोच रहे हो तो ये चीज़ तुसी कमेंट्स च आके दसो तो रखो अपना ख्याल तुहानू मिलता है नैक्सट वीडियो।